ये कहानी दो दोस्तों की दोस्ती और उनकी दुश्मनी की है। दोस्ती 31 सालों की और दुश्मनी 45 साल की। ये दुश्मनी अब भी जारी है, बल्कि यूं कहें कि ये दुश्मनी अब इस हद तक बढ़ गई है कि पहली बार दोनों के बीच जंग के आसार बन गए हैं। हम बात कर रहे हैं ईरान और इसराइल की। बीते 14 अप्रैल को रात के अंधेरे में आतिशबाजी सा वो मंजर असल में उसे मौत की आहट ही कहेंगे, वो आहट जो अब ईरान और इसराइल के साथ साथ दुनिया भर को सुनाई देने लगी है। क्योंकि वो तस्वीरें थी ईरान की तरफ से धनाधन दागी जा रही उन मिसाइलों की जिनके निशाने पर इसराइल है। ईरान लगातार मिसाइलें दागता जा रहा था और इसराइल उन मिसाइलों को अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से रास्ते में ही चुन चुन कर राख करता जा रहा था। वैसे तो इस हमले में किसी के जान की नुकसान की खबर नहीं है। इसराइल ने हमास के कब्जे वाले गाजा में जब से अपना सैन्य अभियान चलाया है, तब से फिलिस्तीन के कई चरमपंथी संगठन सक्रिय हो गए हैं। इतना ही नहीं, ईरान के समर्थन से ये संगठन इसराइल पर भी हमलावर है। एक दो नहीं बल्कि कई संगठन अकेले इसराइल पर हावी हैं। हमास के लड़ाकों के अलावा लेबनान का हिजबुल्ला, हूती विद्रोही तो वही, इराक और सीरिया के कई प्रतिरोधी संगठन सब एकजुट होकर इसराइल पर टूट पड़े हैं। अब इराक के इस्लामिक प्रतिरोध ने दावा किया कि उसके प्रतिरोध सेनानियों ने ड्रोन का उपयोग करके इसराइली ओवडा हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इस्लामिक रेसिस्टेंट ने कहा कि उसके प्रतिरोध सेनानियों ने 15 अप्रैल को ड्रोन का उपयोग करके कब्जे वाले क्षेत्रों को इसराइली ओवडा हवाई अड्डे को निशाना बनाया। इस बात पर जोर देते हुए कहा कि वह दुश्मन के गढ़ों को नष्ट करना जारी रखेगा। रेजिस्टेंस ने पुष्टि की है कि ऑपरेशन गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों सहित असहाय फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ कब्जे वाली इकाई की ओर से किए गए नरसंहारों के प्रतिशोध में उठाया गया कदम है। हाल के महीनों में इराक एक प्रमुख गुट इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इसराइली ठिकानों पर हमलों की एक छड़ी सी लगा दी है। इस्लामिक प्रतिरोध ने इसराइली हवाई अड्डे की ओर ड्रोन लॉन्च करने का एक वीडियो भी दिखाया है। पिछले हफ्ते इराक में इस्लामिक प्रतिरोध ने घोषणा की उसने इजरायली कब्जे के खिलाफ अपने लगातार अभियानों के तहत हाइफा तेल बंदरगाह को निशाना बनाया। लड़ाकों ने दो ड्रोन की मदद से इजरायली कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में हाइफा के तेल बंदरगाह पर बड़े नुकसान का दावा किया है। इसके अलावा इराक के मिलिशिया ग्रुप्स ने कब्जे वाले इलाकों में 3 इजरायली टारगेट पर भी हमला करने का दावा किया। इस जंग में एक तरफ इसराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे ताकतवर पश्चिमी देश हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और फिलिस्तीन जैसे पड़ोसी देश हैं। इन दोनों खेमों की तुलना करने पर सैन्य ताकत में बेशक ईरान इसराइल पर भारी पड़ता नजर आता है, लेकिन चूंकि इसराइल को पश्चिमी देशों का साथ है और वो खुद एक मजबूत न्यूक्लियर पावर है, दुनिया में इसराइल का खौफ ज्यादा है। ईरान इसराइल का तनाव अब प्रॉक्सी समूहों के जरिए लड़ाई से आगे चला गया है। अब सीधे तौर पर दोनों देश आमने सामने हैं। अब क्षेत्र की निगाह इस पर है कि आगे क्या होता है। इसराइल के साथ सामान्य संबंध रखने वाले अरब देश किसी भी तनाव के पक्ष में नहीं है। वहीं रूस फिलहाल ईरान और हमास का समर्थन करता दिख रहा है।